everyone, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I'm going to explain a poem which is for class 5th, taken from the book Marigold from Unit 8. Name of the poem is Nobody's Friend, and I'm going to explain it in Hindi. So let's begin with the poem Nobody's Friend. Nobody matlab koi nahi, aur friend matlab hota hai dost, yani ki jiska koi friend na ho to usko hum bolenge Nobody's Friend. Do you like making friends? Kya aapko pasand hai dost banana? Do you like to share your things with others? Kya aapko pasand hai दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को बांटना? डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसकी कोई दोस्त या फ्रेंड्स ना हो? चलिए आगे पढ़ते हैं. तो पहले इस पोयम में पहले एक बच्ची दिखाई है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. क्या उसको अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है? क्या वो किसी की दोस्त है कि नहीं? तो चलिए पढ़ते हैं. शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर. यानी कि इसके पास क्या है, यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है कि इसके पास कुछ स्वीट्स थी दैट शी वुडेंट शेयर, जिसको वो कभी शेयर नहीं करती. शी हैड अ बुक दैट शी वुडेंट लैंड. उसके पास एक किताब थी जिसको वो कभी लैंड यानी कि उधार नहीं देती. शी वुडेंट लेट एनी वन प्ले विद हर डॉल. वो कभी भी किसी को भी अपनी डॉल के साथ प्ले मतलब खेलने नहीं देती. शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड. वो किसी की भी दोस्त नहीं है. क्यों नहीं है वो किसी की दोस्त? क्योंकि वो अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करती, और इसी वजह से वो किसी की दोस्त नहीं है. उसको पसंद ही नहीं है दोस्त बनाना, क्योंकि वो ना अपनी चीज़ों को शेयर करती है, तो इसलिए वो किसी की भी दोस्त नहीं है. अब दूसरे बच्चे के बारे में देखते हैं कि उसकी कैसी हैबिट है, क्या वो शेयर करता है चीज़ों को दूसरों के साथ कि नहीं. चलिए पढ़ते हैं. ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बिट. यानी कि उसके पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं, और वो हर एक एवरी बिट मतलब वो पूरे की पूरी खा जाएगा. एक एक बाइट टॉफ़ी का वो पूरे खा जाएगा. He had a tricycle, he wouldn't lend. और उसके पास क्या थी, एक tricycle थी जिसको वो किसी को उधार नहीं देता. He never let anyone play with his train. और उसने कभी भी अपनी ट्रेन के साथ किसी को खेलने नहीं दिया. He is nobody's friend. और उसका भी कोई दोस्त नहीं है. ठीक है, यानी कि जो बच्चा है ये भी ना अपनी टॉफ़ीज़ को शेयर करता है, टॉफ़ीज़ का एक सिंगल टॉफ़ी वो खा जाता है. उसके पास ट्राइसिकल थी लेकिन वो उसको भी किसी को लैंड नहीं करता है, उधार नहीं देता, या फिर खेलने को नहीं देता कह सकते हैं आप. और वो किसी को भी अपनी टॉय ट्रेन से खेलने नहीं देता, तो इसलिए ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, या इसीलिए वो किसी का दोस्त नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं उसका कोई दोस्त नहीं है. फिर तीसरी बच्ची है जो शायद सब कुछ अपना शेयर करती है. देखिए स्माइल करती हुई बच्ची दिखाई गई है. बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू. लेकिन मैं शेयर करूंगी अपनी जितनी भी स्वीट्स है आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसा ये कह रही है. माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड. मेरी जो बॉल है, जो मेरी किताबें हैं और जो मेरी गेम्स हैं, मैं सब आपको दूंगी, यानी कि लैंड दूंगी, उधार दूंगी कह सकते हैं, या फिर खेलने को दूंगी. ऐसा ये बच्ची कह रही है कि मैं सबको शेयर करूंगी. हैज़ हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. और फिर वो आगे कहती है, यहाँ मेरा आधा एप्पल है और ये मेरा आधा एप्पल है और ये मेरा आधा केक है. ऐसा कहने का मतलब ये है कि उसके पास अगर एक एप्पल है तो वो उसका आधा पार्ट, और उसका अगर एक केक का पीस है तो उसका हाफ पार्ट वो शेयर करने को तैयार है. यानी कि वो हाफ बोलती है, ये मेरा हाफ एप्पल है और ये मेरा हाफ केक है. आई एम योर फ्रेंड, और मैं आपकी दोस्त हूँ. तो ये बच्ची किस वो कहती है कि मैं आपकी दोस्त हूँ, यानी कि उसके सब फ्रेंड्स हैं. तो ये थी पोएम. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें. बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें. थैंक यू.